हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग नाश्ता, जो खाने में बहुत ही क्रिस्पी होने के साथ साथ बहुत ही हेल्दी है, क्योंकि हम इसे बनाने वाले हैं आलू और पोहा से। तो फ्रेंड, ये दोनों चीजें किचन में अवेलेबल होती हैं और बहुत ही आसानी से आप इसका बहुत ही नए फ्लेवर का नाश्ता आज खाने वाले हैं। और मैं आपको बताऊंगी आप इसे किस तरह से बनाइएगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही यूजफुल है। क्योंकि पुराने नाश्ते खा खा के आप लोग बोर हो गए हैं, तो आप लोग के लिए बिल्कुल नया नाश्ता है। और ये नाश्ता मैंने किस से बनाया है ये आपको वीडियो में देखना पड़ेगा। तो आइए फटाफट शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमने लिया है आलू, जो हमारे 250 ग्राम आलू थे, जिसको हमने उबाल कर अच्छी तरह से छील कर 2 घंटे तक फ्रिज में रखने के बाद कद्दूकस किया है। तो ये आपको जरूर करना है, क्योंकि आलू आपके ठंडे कद्दूकस होंगे तो नाश्ता ज्यादा अच्छा बनेगा। फिर इसके बाद हमने लिया है पोहा। तो पोहा हमारा मोटा वाला है, तो आपको भी ख्याल रखना है कि इस नाश्ते को बनाने के लिए आपको मोटे वाले पोहे का इस्तेमाल करना है। और पोहा हमारा 1 कटोरी है और जो मात्रा में 20 ग्राम है। फिर इसके बाद हमने लिया है सर्दियों के सीजन की सबसे पसंदीदा चीज, यानी हरा धनिया, फ्रेश हरा धनिया ढेर सारा, जो मेरा फेवरेट है और इसे मैं काफी ज्यादा ऐड करती हूँ। अगर आप लोगों को इतना नहीं पसंद है तो आप इसे कम कर सकते हैं अपने टेस्ट के अनुसार। और चलते हैं गैस की तरफ और फटाफट इसे बनाते हैं। तो फ्रेंड, एक कढ़ाही ले लिया है और कढ़ाही आपको थोड़ा सा मोटे तलने की लेनी है। और जब ये कढ़ाही गर्म हो जाएगी, हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच घी। आप इसे चाहें तो इसे तेल में भी बना सकते हैं। तो हमने 1 चम्मच बस घी डाला है। और जब घी हमारा हल्का सा गर्म हो जाएगा, बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना है आपको, धुआंदार बस हल्का सा गर्म हो जाएगा, हम अपने इसमें पोहे को डाल देंगे। और इस तरह से मैंने ऐड कर दिया है। अब इसे हम चलाएंगे और इसे हल्का सा रोस्ट करेंगे। तो इसे रोस्ट करने में आपको मुश्किल से 3 मिनट लगेंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे अच्छी तरह से हम रोस्ट कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा पूरा रोस्ट होना शुरू हो गया है। तो फ्रेंड, ये नाश्ता बहुत ही टेस्टी लगता है, आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये नाश्ता कैसा लगा। नाश्ता पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपका स्वागत है, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि आपको हमारे नए वीडियो के अपडेट मिले सबसे पहले। तो इस तरह से मैंने पोहे को रोस्ट करना शुरू कर दिया है और इस तरह से एक मिनट बाद ही हमारे पोहे का कलर चेंज होने लगा है और इसे हम मीडियम फ्लेम पर रोस्ट करेंगे। हाई फ्लेम पर अगर आप करेंगे तो ये जल सकता है। तो फ्रेंड, इस तरह से नया नाश्ता आप ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको ये नाश्ता कैसे लगा। तो फ्रेंड, ये देखिए 3 मिनट बाद ही हमारे जो पोहों का रंग था वो बिल्कुल चेंज हो चुका है और इस तरह से देखिए बिल्कुल फूल गए हैं। और इसे फूल फूल कर इसी तरह से करना है आपको। तो देखिए कितने क्रिस्पी हो गए हैं, इस तरह से अगर आपके क्रिस्पी होंगे तो नाश्ता बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो काफी गर्म है, अब इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। फिर इसके बाद इसे हम मिक्सी जार में डालकर इसका एक पाउडर बनाएंगे। पाउडर हमको बनाना बहुत ही जरूरी है और जब इसे हम नाश्ते में ऐड करेंगे तो कितना क्रिस्पी और कितना डिलीशियस नाश्ता बनता है आप देखते जाइए। तो गैस के फ्लेम को मैं बंद कर देती हूँ और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ। तो ऑफिस में इसे पीस कर आपको डायरेक्टली दिखाऊंगी, ठीक है। तो फ्रेंड, इस तरह से देखिए मैंने पोहे का अच्छी तरह से पाउडर बना लिया है और बहुत ही आसानी से बन गया है। और आप इसके बाद एक बड़ा बर्तन ले लेंगे इस तरह से और इसमें हम सबसे पहले अपने आलू को डालेंगे। तो आलू को कद्दूकस करना जरूरी है इस नाश्ते के लिए और आलू के आपको ठंडा होना भी जरूरी है। तो इस तरह से हमने डाल दिया है आलू अपने और अब इसके बाद हम अपने तैयार मिश्रण को इसके अंदर डाल देंगे। और इस तरह से हमने इसमें डाल दिया है। तो इस तरह से हमने सारी चीजें इसके अंदर डाल दिया है। अब बिल्कुल हल्के हाथों से हमें इसे मिलाना है। ख्याल ये रखना है कि आपको ज्यादा कसके से नहीं मिलाना है और बिल्कुल हल्के हाथों से इस तरह से इसे मिलाना है। तो बहुत ही आसानी से नाश्ता बनता है और खाने में बहुत ही लाजवाब, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इस तरह से हमने मिला लिया है। अगर आपको कम लगे तो आप इसमें और भी पोहा ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरा बहुत ही तैयार मिश्रण था, यानी बहुत ही परफेक्टली तरीके से मैंने सोच के बनाया था, तो इसलिए मेरा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन गया है। मुझे इसमें अब ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने 250 ग्राम आलुओं में 20 ग्राम पोहा ऐड किया सॉरी। और अब इसके बाद इसमें लाएगा फ्रेश हरा धनिया, जो मेरा बहुत फेवरेट है, और मैंने इसे मोटा मोटा चॉप किया है, बहुत ही बारीक बारीक नहीं चॉप करना है। और अब इसे मिला लेंगे और यहाँ पे हम इसमें कुछ चीजें और ऐड करेंगे।
तो एक चम्मच अजवाइन को मैंने ले लिया है हथेलियों में और इसे अच्छी तरह से इस तरह से क्रश करके डालेंगे इसके अंदर, बहुत ही अमेजिंग फ्लेवर आएगा। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले डालेंगे फ्लेवर के लिए चाट मसाला एक चम्मच। अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप इसकी जगह पे ड्राई आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन चाट मसाला जब आप डालेंगे तो नाश्ता बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो एक चम्मच हमने चाट मसाला डाला है। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा बहुत ही कम टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी पाउडर, ये हमने आधा चम्मच डाला है। और अब इसके बाद इसमें जाएगा गरम मसाला एक छोटा चम्मच, भुना हुआ जीरा एक छोटा चम्मच, और अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी सौंफ। तो सौंफ का बहुत ही अमेजिंग फ्लेवर आता है और इस तरह से सौंफ को लेकर अच्छी तरह से हम करके डालेंगे। तो सौंफ और अजवाइन मैंने दोनों डाली है, दोनों का बहुत ही अमेजिंग फ्लेवर आता है। और अब इसके बाद इसमें हींग ऐड करेंगे। तो आधा चम्मच में हींग डाल दिया हमने। और अब इसके बाद इसमें हम डालेंगे सॉल्ट, तो एक चम्मच इसमें नमक डालना है छोटा स्वाद के अनुसार, अगर आप ज़्यादा नमक खाते हैं तो आप थोड़ा और डाल सकते हैं। और अब इसके बाद इसमें एक चम्मच ग्रीन चिली जाएगी, जो हमने तीन चार ग्रीन चिली को कट करके रखा था। और अब सारी चीज़ें डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे फिर से, ताकि मसाले अच्छी तरह से मिल जाए। तो फ्रेंड इस तरह से देखिए, ये अच्छी तरह से हमने मिला लिया है। तो ये नाश्ता बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में और बनने में भी बहुत ही इजी है। इसे आप फटाफट बना सकते हैं और इसे फ्रिज में बनाकर रख भी सकते हैं। कम से कम 15 दिन तक ये नाश्ता ख़राब नहीं होता है, क्योंकि इसमें बिल्कुल ही पानी का यूज़ नहीं होता है। और हम आलूओं और पुओं को अच्छी तरह से मिला लेंगे, ताकि मसाले अच्छी तरह से हमारे एक बराबर मात्रा में मिश्रण में पहुँच जाएँ। तो ये देखिए परफेक्टली तरीके से हमारा डो रेडी हो गया है। तो फ्रेंड अब इसमें हम एक छोटा चम्मच ऑयल डालेंगे। तो ऑयल डालने से नाश्ता बहुत ही क्रिस्पी बनेगा और खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो इस तरह से हमने ऑयल डाल के अब इसे अच्छी तरह से फिर से मिला देंगे। तो इस तरह से देखिए ऑयल डालने से ये बनने लगा है अच्छी तरह से। और अब हमें इसमें कोई भी चीज़ें ऐड नहीं करनी है, क्योंकि सारी चीज़ें हमने डाल दिया है और अब हमारा मिश्रण रेडी है नाश्ता बनाने के लिए। तो आइए फटाफट इसका नाश्ता बना लेते हैं। तो सेप आप जिस तरह से चाहें उस तरह से बना सकते हैं। और अब अपने हाथों में हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और ऑयल से अपने हाथों को अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। तो इस तरह से हमने लगा लिया है। अब थोड़े से मिश्रण को हम हाथ में लेंगे और इस तरह से लेने के बाद इसे हम इस तरह से दबाएंगे और इसका एक गोला बना लेंगे। तो फ्रेंड इस तरह से जब मोटा मोटा धनिया डालेंगे तो बहुत ही टेस्टी लगता है नाश्ता। और अब इसे इस तरह से हम सेव देंगे। तो आप टिक्कियों का साइज छोटा बड़ा अपने हिसाब से रख सकते हैं। अगर आपको बड़ी टिक्की पसंद है तो आप बड़ी डाल सकते हैं, और छोटी पसंद है तो छोटी डाल सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसे इस तरह से पहले गोल करना है, और फिर इसके बाद जब ये अच्छी तरह से गोल हो जाएगा हम इसे इस तरह से हथेलियों के बीच में लेकर इसे प्रेस करेंगे और इसे साइड से इस तरह से करना है। और परफेक्ट तरीके से हमारा पहला तैयार हो गया है और इसे हम प्लेट में रख देंगे इस तरह से, और इसी तरह हम अपने सारे बना लेंगे। तो बहुत ही आसान है बनाना और खाने में बहुत ही टेस्टी, बहुत ही बढ़िया लगता है। और इसे बनाना बहुत ही ईजी है, बच्चे इसे बना सकते हैं। और जाड़ों के सीजन में ये बहुत ही टेस्टी लगता है। और इसे अब हम अच्छी तरह से इस तरह से प्रेस कर देंगे। तो ये देखिए दूसरा भी हमने बना लिया है बहुत ही आसानी तरीके से। और इसे थोड़ा सा मोटा ही बनाना है, ज़्यादा पतला नहीं बनाना है। और इसी तरह हमने सारे बना लेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड ये देखिए मैंने अच्छी तरह से बना लिया है और कोई भी दिक्कत भी नहीं हुई है, बहुत ही आसानी से बन जाता है। और देखिए कितना परफेक्टली तरीके से हमने बना लिया है। बस आपको इसको ख्याल ये रखना है कि आपको इसको थोड़ा सा मोटा बनाना है, बहुत ज़्यादा पतला मत बनाइएगा। और आप चलते हैं गैस की तरफ। और दूसरी बात, ये नाश्ता बहुत ही कम ऑयल में बनाएंगे हम, क्योंकि इसे हम स्लो फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड जाड़ों में प्रॉब्लम ये होती है कि नाश्ता सब लोग इतना डिमांड करते हैं कि तेल की बैंड बच जाती है। तो ये बहुत ही कम तेल का नाश्ता है, तो आपके बजट में भी ये नाश्ता आएगा और बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही लाजवाब। चलते हैं गैस की तरफ। तो आ गए हैं गैस की तरफ और एक हमने नॉनस्टिक पैन रख दिया है। और इस पैन में हम डालेंगे बस दो चम्मच ऑयल, ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस नाश्ते में। और दो चम्मच ऑयल डालकर हम इसको गर्म कर लेंगे।
और तावे पे अच्छी तरह से फैला लेंगे। तो इस तरह से हम करके फैला लेंगे ताकि अच्छी तरह से हमारा तावा जो है ग्रीस हो जाए। तो इस तरह से मैंने फैला लिया है और बस तेल हल्का सा गर्म हो जाएगा। तो तेल फिर गर्म हो गया है और इसमें हम अपने तैयार नाश्ते को इस तरह से रख देंगे। तो फिर हम अपने नाश्ते को एक ही बार में बना लेंगे, अगर आप चाहें तो इसे दो बार में भी कर सकते हैं और इसे बनाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो रही है। और इस तरह से हमने इसे बनने के लिए रख दिया है। तो शुरुआत में आपको इसे नहीं पलटना है जब तक कि एक तरफ से क्रिस्पी नहीं हो जाता है। जब ये एक तरफ से क्रिस्पी हो जाएगा तभी हम इसे पलट देंगे। तो इसे बनने में बिल्कुल भी कम टाइम लगता है क्योंकि आलू को हमने उबाल कर यूज़ किया है और पोहे भी हमने अभी फ्राई किए हुए हैं और उसको हमने रोस्ट करके भुना था। तो इस तरह से दोनों चीज़ हमारी पकी हुई है। बस इस नाश्ते को बनने के लिए आपको 3 मिनट का वेट करना पड़ेगा। और इस तरह से देखिए बहुत ही कम ऑयल में ये हमारा नाश्ता बन जाएगा और इस तरह से हम इसे पकाने देंगे। तो फ्रेंड 3 मिनट हो चुके हैं, आइए अपने नाश्ते को हम पलट देते हैं। तो इस तरह से हम 2 चम्मच के सहारे से इसे पलट देंगे और पलटने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और इस तरह से देखिए बहुत ही क्रंची लेयर इसके ऊपर आ गई है और अब इसे हमने इस तरह से पलट दिया है। इसी तरह अपने सारे पलट देंगे। तो देखिए ये नाश्ता कितने कम ऑयल में और कितना टेस्टी है और आपका खाने का मन कर रहा होगा तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा। अब इसे हम इस तरह से भी कुक होने देंगे। तो फ्रेंड अब हमें ऑयल नहीं डालना है, एक तरफ हमने जो ऑयल डाला था बस उसी से ये हम दूसरी तरफ भी बना लेंगे। तो मात्र 2 चम्मच ऑयल में ये नाश्ता बन जाता है। बहुत ही कम ऑयल का नाश्ता, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही डिलीशियस है। आप इसे चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं, केचप के साथ एंजॉय कर सकते हैं, जिसके साथ आप चाहे इसे एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप इसे चाय के साथ खाना चाहते हैं तो खा सकते हैं। तो इसे हम दूसरी तरफ से भी 3 मिनट और कुक कर लेंगे। तो फ्रेंड 3 मिनट हो चुके हैं और ये दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह से कुक हो गए होंगे और मैं आपको इसे टर्न करके दिखाऊंगी कि ये दूसरी तरफ से कितने क्रिस्पी हो चुके हैं। तो इस तरह से देखिए बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी लेयर इस पर आ चुकी है और इसे हम इसी तरह टर्न कर लेंगे। तो हमारा नाश्ता बिल्कुल रेडी हो गया है और खाने के लिए बिल्कुल ही तैयार है। और आप इसे चाय के साथ या फिर चटनी के साथ, ग्रीन चटनी के साथ, केचप के साथ, किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। और अब मैं इसे प्लेट में निकाल कर आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह से नाश्ता बनाइए, खाइए, फैमिली वालों को खिलाइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपका स्वागत है, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको हमारी न्यू न्यू वीडियो की अपडेट मिले सबसे पहले। तो फ्रेंड पोहे और आलू का इतना कम ऑयल का नाश्ता आपने पहले कभी नहीं खाया होगा, तो जरूर ट्राई कीजिएगा इस नाश्ते को। और इसमें जो लेयर आपको दिखाई दे रही होगी, देखिए कितना क्रंची और कितना बेहतरीन नाश्ता बनकर रेडी हो गया है। और इसमें आपके तेल की भी बचत होगी और आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी क्योंकि बहुत ज्यादा ऑयली खाना खाने से आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ता है। तो इस तरह से नाश्ता बनाइए और आप इसे 15 दिन तक स्टोर भी कर सकते हैं। तो इसी तरह प्यारा सपोर्ट देते रहिए और मैं इसे प्लेट में करके आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड तैयार है हमारा बहुत ही अमेजिंग नाश्ता जिसको हमने प्लेट में निकाल लिया है। तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। आप इस तरह से बनाइए, खाइए और अपने फैमिली वालों को खिलाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और इस नाश्ते को आप इंजॉय कीजिएगा और अपनी राय जरूर लिखिएगा कि आपको ये नाश्ता कैसा लगा। तो अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय, टेक केयर। और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।